उसको पानी अलग हो से कैंसर की मरीज है वो समझ टैंक में क्या हो गया किस टाइम का पानी पड़ा हुआ है वो लोग खा रहे हैं पी रहे हैं उसको सस्ता से डॉलर की सूरत में पैसे आ रहे हैं 3600 रुपए किलो वहाँ पे कुछ बिक रहा है। ये चीज हमारे नहीं है, हम बाहर वालों को दे रहे हैं। गोश्त अगर बाहर जाना बंद हो गया तो इस पाकिस्तान में गोश्त बहुत सस्ता बिक रहा है। ये जो है सारा माल बाहर जा रहा है, डॉलर के अंदर इसका काम हो गया है। पाकिस्तानी 1800 रुपए किलो गोश्त दुबई में बिक रहा है। चैनल खास और आम की टीम आपसे आपके दिल की किसी कारोबार की या मुआशरे के फायदेमंद मशवरों की मालूमात हासिल करना चाहती है। अगर आप हमसे रابطہ करना चाहें और किसी जायज मकसद के तहत वीडियो बनवाना चाहें तो हमसे रابطہ कर सकते हैं। अपनी वीडियो बनवाने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं भाई गोश्त की होलसेल मार्केट में एक बार फिर। तो आए लोगों से बात करते हैं कि लोगों के गिले शिकवे ख़त्म हुए, मार्केट में महंगाई का बहरान ख़त्म हुआ, या जो गवर्नमेंट की तरफ से शिकायतें थीं वो ख़त्म हुई, या अभी भी वो सारी शिकायतें पहले ही जैसी हैं। आए हमारे साथ चलते हैं मार्केट में। काम भाई ये बहुत तेज हो चुका है, ये जो है सारा माल बाहर जा रहा है, डॉलर के अंदर इसका काम हो गया है। पाकिस्तानी 1800 रुपए किलो गोश्त दुबई में बिक रहा है। ये लोग हमें यहाँ जानवर नहीं खरीदने दे रहे, बिल्कुल हम लोग परेशान हो गए। 900 रुपए किलो हम लोग यहाँ होलसेल करते हैं, 900 रुपए किलो दुकानदार गोश्त बेच रहा है तो उसमें भी पकड़ धकड़ हो रही है, उसके अंदर HDM चालान कर रहा है, जुर्माने काट रहा है। अभी आवाम जाए कहाँ, आज जा रहा है ये 1050 रुपए किलो यहाँ से। व्यापारी तो कभी भी यहाँ नहीं बेचेगा, नहीं बेच रहा वो हम लोगों को माल, वो सारा उन्हीं को दे रहा है माल जो बाहर से काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट यहाँ पे वैसी और कह रही है रेट कम करो, रेट कम करो, इतने रेट कम करो, 200 रुपए किलो पे 800 रुपए किलो बेचो। 800 रुपए किलो कहाँ से बेचेंगे, 1000 रुपए किलो खरीद के लाए 800 बेचे। अच्छा ये बताएं, ये जो औरंगी में 650-600 रुपए बिक रहा है, ये सब पानी वाला गोश्त है। इन्होंने पूरे माशरे की ऐसी तैसी कर दी है, लोगों को बीमार कर दिया इन लोगों ने, और ये जो बिल्कुल बेकार जानवर होते हैं वो काट के पानी पानी भर के उनको बेच रहे, लोग बीमार हो रहे हैं इससे। अच्छा जी, ये कौन सी जगह? एक नंबर काम होता है, सलेटर हाउस से माल कट के आता है, हम लोग पीस देते हैं और हर चीज हम पे करते हैं। चले, नाम बताइएगा। शेरफजल कुरैशी। यही होते हैं आप जी? और आप भाई कहाँ होते हैं? ये नाता भाई यहाँ से ले जा रहे हैं 900 रुपए किलो गोश्त, यहाँ से 900 रुपए किलो ले जा रहे हैं। जाता है तोड़ पड़ता है 11 पड़ता हमारा गोश्त, होलसेल में 1100 बेचते हैं हम, 1300 बेचते हैं। ये 900 रुपए किलो हमारे भाई है, ये क्या कह रहे हैं, ये हम निकाल देते हैं इसको, ये निकाल देते हैं चर्बी को यहाँ से, समझे, ये 900 रुपए पड़ रही हमारे को। साफ गोश्त जो है हम 1300 रुपए दे रहे हैं। इस गोश्त जो बिक रहा है वो जो 650 बिक रहा है उसको पानी वाला गोश्त है, कैंसर की मरीज है वो समझ टैंक में क्या हो गया किस टाइम का पानी पड़ा हुआ है वो लोग खा रहे हैं पी रहे हैं उसको, वो सस्ता गोश्त है। वो गायों को होते जैसे अब हम किसी के बच्चे हैं वो गाय ही बड़ी होती है उसके गोश्त 50,000 रुपए कोई लगाए काम में, 50,000 का गोश्त लेके जाए तो कितने रुपए बचा लेगा? ज्यादा 2,000-3,000 बचा लेगा, उसके अलावा 2,000 तो कारीगर का खर्चा है, एक दिहाड़ी कारीगर की है, दुकान का खर्चा, थैली 500 रुपए की थैली प्लास्टिक की, ये लेके गए ना सूख जाता हमारा गोश्त भाई, कम हो जाता है, है? इसलिए हमको 1300-1100 बेचते हैं। सब बेचने के बाद सब मुश्किल से 30-40 रुपए मुनाफा था, वो भी बोल बोल के घर पे 10 रुपए बचता अपने। अरे भैया अपना भी खर्चा है, बाकी यहाँ जो गोश्त मिल रहा है ना एक नंबर गोश्त है ये। गोश्त अगर बाहर जाना बंद हो गया तो इस पाकिस्तान में गोश्त बहुत सस्ता बिकेगा, इसको रोक ले नहीं है गवर्नमेंट, सारा लाख डॉलरों में गोश्त बाहर डॉलरों में गोश्त, तो घुटाला घुटाला ये है हुकूमत से कि ये बाहर बंद कर दें ताकि पाकिस्तानी आवाम को सस्ता गोश्त मिले, अच्छा गोश्त मिले। ये बछड़े का गोश्त है, ये होलसेल के अंदर 38,000 रुपए चल रहा है यहाँ पर दुकान, यहाँ से दुकानदार ले आता है उसको 40,000 पड़ता है और 1,000 रुपए किलो वहाँ बेच रहे हैं दुकान पर। दुकानदार नुकसान के अंदर है, दुकानदार नुकसान में जा रहा है, दुकानदार नुकसान में क्योंकि स्पोर्ट बहुत हो रही है। अच्छा हमारी हुकूमत स्पोर्ट रोकती नहीं है,
मुझको चाहिए सपोर्ट हो गया, आइए हम लोगों को सस्ता मिले, हम आवाम को सस्ता खिलाए। ये हमारा दुकानदार को ले आता, बोलता है 20,000 दे दो, 30,000 दे दो, दुकानदार कहाँ से लगेगा, दुकानदार हमारे पैसे दबाता है। सही, को चाहिए स्पोर्ट हो गया वहाँ से, आइए यहाँ पर लोगों को खोज मिले, कुछ कमाए अपनी नहीं रोजी करे, आइए वो फिर रिटर्न हमारे पैसे देते। अच्छा, जो बड़ा जानवर है आपके पास वो कितने रुपए माने? वो बछड़ा है, बछड़ा 38,000 माने और बड़ा जानवर 34,000 रूपए माने। अच्छा, 4,000 का फर्क। जी जी, जैसे इलाके में 12,000 और 1300 रूपए किलो का जो बिक रहा है, 12-13 रूपए किलो में, 12-1300 रूपए किलो नहीं बिक रहा भाई, गोश्त बिक रहा है 1,000 रूपए किलो, दुकानदार यहाँ से लेके भगड्डी का 1200 रुपए किलो चल, लेकिन यहाँ से 38,000 लेके 40,000 उसको पड़ रहा है, वो उसको छीलता है तो उसको गंदों 1300 रुपए किलो पड़ रहा है, दुकानदार लॉस में, दुकानदार फायदे में नहीं है। ये जी माता जुलम करते हैं, वो चालन करते हैं, 20,000 दे दो, 40,000 दो, दुकानदार कहाँ से लाके देगा भाई। और ये औरंगी टाउन में और अलग वो सब प्रेशर वाला है, इसको रोके तो आधे से ज्यादा दोष बढ़ जाता है प्रेशर में भाई। बढ़ता कुछ भी नहीं, खाली एक दिल को समझाने वाली बात है, पानी लगा रहे हो भैंस का उस्टे बढ़ेगा, 600 रुपए किलो ग्राहक बोलते है चला रहे हैं, वो खाली अपना जो ना बेमानी वाली बेमानी कर रहा है। ग्राहक सब समझ रहा है, ग्राहक को सब पता है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, पानी वाला प्रेशर वाला गोश है वो दरअसल उसके अंदर टोल के अंदर 650-700 जो बेच रहे हैं वो टोल के अंदर बेमानी कर रहे हैं, सारा गोश के अंदर दोबारा वापसी आएगा। ये था उसका नुकसान क्या है, अगर वो प्रेशर वाला ले भी लेता है उसके अंदर हेपेटाइटिस सी हो रहा है प्रेशर वाले, ये मतलब ये बीमारी चल रही है, वैसे आपने नहीं बीमारी है, बीमारी चल रही है जानवर का पेशाब होता है ना वो भी पानी के साथ, पानी के साथ। अच्छा, लोग तो सस्ते के चक्कर में खा रहे हैं। एमसी को टैक्स मिला वहाँ से डॉलर के हिसाब से, यहाँ से जा रहे हैं गवर्नमेंट तो भाई, वहाँ से डॉलर की सूरत में पैसे आ रहे हैं, वहाँ से डॉलर की सूरत में पैसे आ रहे हैं, वहाँ बिक रहा है कुछ 3800 रुपए किलो वहाँ पे कुछ बिक रहा है। गवर्नमेंट ये कहती है कि इससे जो एक्सपोर्ट हो रही है इससे आवाम को ही हम रिलीफ देंगे, तो आवाम को रिलीफ तो जब होगी ना, जब एक्सपोर्ट बंद होगी आवाम को रिलीफ से तो फायदा होता है ना, का फायदा होगा, ये चीज हमारे नहीं है, हम बाहर वालों को दे रहे हैं, चीज हमारे लोग की बात है कि जो चीज हमारे लिए नहीं है हमारे पास पूरी नहीं हो रही, हम बाहर देंगे तो हमारी मईशत खुद बैठ जाएगी, खुद बैठेगी ना यार, चीज महंगाई होगी ना यार, बात ये चले जी। बहुत तो भाई पहले से ज्यादा शिकायतें नजर आ रही हैं, पहले से ज्यादा लोग परेशान हैं, यहाँ के जो लोग हैं ना दुकानदार जो होलसेल बेच रहे हैं उन लोगों के दिल में उन दुकानदारों के लिए बहुत ज्यादा हमदर्दी है जिनको गवर्नमेंट की तरफ से परेशान किया जा रहा है, 20,000-30,000 के चालान काटे जा रहे हैं इस बात पे कि गोश्त को सस्ता किया जाए, जब गोश्त यहाँ से उनको सस्ता नहीं मिल रहा और इन लोगों को वहां जहां से ये लेकर आ रहे हैं इन लोगों को सस्ता नहीं मिल रहा, तो ये दोनों लोग जो होलसेलर हैं या रिटेलर हैं ये गोश्त आगे कैसे सस्ता दे सकते हैं। और ये भी बात पता चली कि 600-650 रुपए गोश्त वाला जो ये सिलसिला है ये प्रेशर वाला है, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। तो भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें, मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।